couple, please. Hello. 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 Oh, hello. Cute. मुझे लगा था इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही हैं जो सेम कपड़े पहनते हैं, वो भी इसकी वजह से, लेकिन आज मालूम पड़ा कि मेरे जैसे और भी हैं। इधर भी मेरी वजह से ही है। मैं जानता था, उनकी शक्ल पे जो एक्सप्रेशन है उसी से पता लग गया था। आपका नाम क्या है? अमित। अमित और ओशीन। ओशीन, दैट्स अ क्यूट नेम। चलिए बताइए अपने बारे में कुछ ना कुछ। ओके, हम दिल्ली से ही हैं दोनों। हमारे रिलेशनशिप को 5 years 3 months हो चुके हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, बट हम चाहते ही नहीं है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो। सो इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। मुझे बताए इसकी वाइल्डेस्ट फैंटेसी क्या है? वाइल्डेस्ट फैंटेसी? 5 साल 3 महीने में तुम्हें इनकी वाइल्डेस्ट फैंटेसी नहीं पता चली? ये डीजे बनने जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है, बहुत ज़्यादा। म्यूजिक तो इसकी दुनिया है और कुछ नहीं दिखता इसे। म्यूजिक के आगे मैं भी कुछ नहीं हूँ। इसको पसंद है बाइक राइडिंग और बाइक स्टंटिंग इसको बहुत पसंद है। सेक्सुअल फैंटेसी गाइस। अभी तक मेरा साइड से ऐसा कुछ है नहीं, कॉज मेरा इन चीज़ों पे अभी दिमाग नहीं गया। मेरा एक ही फोकस है अभी कि हम लोगों को आगे अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है और शादी करनी है, दैट्स ऑल। और उसकी शक्ल देखो, एक सेकंड, उसकी अगर उसकी शक्ल देख के पता चलता है 5 साल 3 महीने से एक्शन नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला मेरे को। क्या एक्शन मिला था? मतलब नॉर्मली किस वगैरह तो होती है, मगर ऐसा कुछ मेरे साथ, मतलब मेरा मन भी नहीं किया ऐसा कुछ करने का। Why? नहीं, मेरे को तुम्हारा मन नहीं करता कुछ करने का? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। फीलिंग्स नहीं आती? फीलिंग्स आती है, मगर उस टाइप की नहीं आती ना। आर यू ओके विद इट? यस, हमने यही सोचा हुआ है कि हमें जो करना है शादी के बाद करना है, सो दैट्स व्हाई कंट्रोल करते हैं। आपकी आपकी रिलेशनशिप में इंटीमेसी तो होगी नहीं अगर आप कंट्रोल ही कर रहे हैं ना। वैसे पपेट्स होंगे हमारे यहां, पपेट्स दे दो इनको। हाँ, ये लो अपने अपने पपेट चूज करें। okay. और ये गेम जो है ये कपल्स की इंटीमेसी के लिए है। बारिश हो रही है और आप एक गाड़ी में हैं और दूर दराज इलाके में हैं और आप गाड़ी रुकी हुई है और अच्छा और आप इंटीमेट हो रहे हैं। ओके, स्टार्ट करो। आपका रोमांस कैसे स्टार्ट होगा? हेलो बीबी, किस? हेलो, ओके, सो और आज का डे कैसा रहा आपका? बिल्कुल अच्छा था। ऑब्वियसली हम यहाँ रोमांटिक हो रहे हैं तो आप एक ऐसी घूमी फिरी बातें कर रहे हो। आई वांट टू हग यू। या श्योर। ओके, सो मे आई किस यू? एक्चुअली बताऊँ, मेरा कुछ ही कर लेते हैं। ओके, यार ये बड़ा अजीब साइज़ से हो नहीं रहा कुछ। सो आपकी प्रॉब्लम है इंटरेस्ट? हाँ नहीं, इंटीमेसी हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है ट्रस्ट। अरे ट्रस्ट कैसे, उसे ट्रस्ट करना क्या है? जब कुछ इंटीमेट तो आपस में इंटीमेट नहीं होते तो वो किस किस के, वो किसके साथ चीट कर लेगा, वो आप किसके साथ? मैं बताती हूँ ना कि आप कोई कनेक्शन। कैन आई गिव यू एडवाइस? यू डोंट नीड टू बी हियर ऑन लव स्कूल। व्हाट यू नीड टू डू इज आइदर गेट मैरिड, शादी करो, उसके बाद इंटीमेट हो, एंड आई स्वेयर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यही आपका प्रॉब्लम है। फिगर इट आउट, मैरी हर, शी इज द लव ऑफ योर लाइफ। 5 साल तो ऑलरेडी हुआ, 5.5 साल शादी करो, एंड आई स्वेयर नन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विल एग्जिस्ट इन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आई वांट यू टू गेट मैरिड, इनवाइट अस टू योर वेडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। बाय।